बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सोने और आप देख रहे हैं किचन विद सोने यूट्यूब चैनल। तो आज में हम बनाएंगे वेजिटेबल वाले सब्जी वाले नूडल्स। तो ये कैसे बनते हैं आइए चलते हैं। सबसे पहले आपने ले लेना है ऑयल, की भी आप ले सकते हैं, ऑयल में ये ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं। मैं एक अलग तरीके से बताने लगी हूँ आपको। और इसमें हमने चॉप किए हुए प्याज डाल लेने हैं और इसको हमने सुनहरी कर लेना है तकरीबन 5 से 7 मिनट तक के लिए। इसके बाद ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल सुनहरे हो चुके हैं, भुन चुके हैं। और इसमें जायके के लिए, तड़के के लिए इसमें डालेंगे हम मटर। मटर हमने लिए हैं तकरीबन 100 ग्राम होंगे। और इसमें गाजरें ली हैं, वो भी चॉप की हुई गाजरें लेनी है आपने। 2 गाजरें लेनी, उनको अच्छी तरह से आपने ब्रीक काट लेना है, चॉप कर लेना है। और ये शिमला मिर्च है, उसको भी अच्छी तरह से चॉप कर लिया मैंने, वो डाल देंगे इसमें। ये इस तरह जो होते हैं, ये हरी मिर्च है, ये बाद में डालेंगे। इस तरह के जो नूडल्स होते हैं बहुत ही मज़ेदार और स्पाइसी बनते हैं। स्पेशली बच्चे जो हैं वो डिमांड करके बनवाते हैं हमारे घर, बहुत शौक़ से खाते हैं। तो इसको हमने अच्छी तरह से भून लेना है तकरीबन 5 मिनट के लिए। घी में भी आप बना सकते हैं लेकिन ऑयल में ये ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं। घी जब ठंडा हो जाता है तो वो जम जाते हैं, तो जमते हुए फिर वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। तो ऑयल का ये फ़ायदा होता है, वो जमता नहीं है। तो यहाँ जो हमने मिर्चें ली थी हरी, वो इसमें शामिल कर देंगे। इसको भी अच्छी तरह से भून लेंगे 2 मिनट के लिए, 2-2 मिनट, 1-1 मिनट, सब चीज़ों को हमने भूनते जाना है। और यहाँ पर हमने ले लेना है नमक, तकरीबन 2-3 चुटकियाँ होंगी नमक। और लाल मिर्च पाउडर भी इतनी ही होंगी, 2-3 चुटकियाँ, क्योंकि जो इसमें नूडल्स लेने हैं उसके अंदर से जो है एक मसाला निकलता है वो इसमें डालेंगे। तो इसको हम मिक्स कर लेंगे, तो इसलिए हम ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाएंगे, क्योंकि मसाला जो नूडल्स के अंदर मौजूद होता है वो भी इसमें हमने शामिल करना है। तो 2 नूडल्स के लिए ये काफ़ी है इतना मटीरियल। तो यहाँ पर मैंने पानी डाल देना है तकरीबन 1 गिलास, इतना पानी डाल के इसको मैं कवर लगा दूंगी 5 से 7 मिनट के लिए, ताकि हमारी जो सब्जियां हैं वो टेंडर हो जाएं, गल जाएं। तो 5 मिनट के बाद, तो ये देखें 5 मिनट गुजर चुके हैं। तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह जो सब्जियां हैं मुझे लग रहा है कि वो गल चुकी हैं। यहाँ मटर को भी ये देखेंगे निकाल के कि वो गला है या नहीं, तो मेरे लिहाज से तो ये गल चुका है। ये देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह गल चुका है मटर। तो यहाँ पे जो नूडल्स हैं, 2 अदर नूडल्स, चिकन लिया, मैं तो इसको इतना नहीं खाती, तो बच्चे कह रहे थे कि बना के दो हमें, तो इसलिए उनको बना दिए। थोड़ा सा पानी और डालेंगे ताकि जो हमने नूडल्स डालने हैं वो इसमें पक के अच्छी तरह से फूल जाएँ। तो ये नूडल्स हैं जी, ये कस्तूरी होती है बच्चों के लिए। तो ये हमने थोड़े से तोड़ तोड़ के इसमें शामिल कर देने हैं। 2 अदद लिए हैं, चिकन वाले लिए हैं, मुझे नहीं पता ये कौन से होते हैं, लेकिन चिकन वाले बच्चे बता रहे थे, वो दुकान से लेने गए थे कि चिकन वाले हैं वो, हम रेड वाले नहीं होते हैं एक चिकन वाले, तो चिकन वाले मिले हैं यहाँ से, तो वो ले आए हैं, वो ले आए हैं। तो वो मैंने डाल दिया ऐसे तोड़ के। तो इसके अंदर से एक ये ही मसाले वाला पैकेट भी इसके अंदर मौजूद होता है, वो मसाला जो है, अगर एक आप पैकेट डाल रहे हैं तो एक मसाला होगा, 2 डाल रहे हैं तो दोनों ही इसमें शामिल कर देने हैं। तो ये देखें दोनों मैंने शामिल कर दिए हैं, इससे स्पाइसेस हो जाएगा। खैर मैं तो कभी इसको नहीं खाया, लेकिन अब मैं बना के दे रही हूँ। मैंने सोचा कि मैं इसको अलग तरीके से बना के देती हूँ। वो पानी वाले से उबालने वाले भी एक बनाते हैं, तो वो मुझे तो कितने अच्छे नहीं लगते तरीकाकार। तो 5 मिनट उसको कवर करेंगे, 5 मिनट के बाद इसको उतारा है। तो ये देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल तैयार हो चुके हैं नूडल्स हमारे, वेजिटेबल्स वाले नूडल्स बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये अब खाने के काबिल हैं, बिल्कुल पक चुके हैं। इसको मज़ीद हम पानी को खुश्क नहीं करेंगे, नहीं तो ये अच्छे नहीं लगेंगे। बस इतना सा इसमें पानी रहना चाहिए, ये देखिए बस ओके हो गया। इसको हम डिश आउट करते हैं, ये देखिए जी डिश आउट कर लिया। इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे और इसको हल्का सा ठंडा होने देंगे, बच्चों का जैसे मुंह ना इससे सड़े ना, मुंह जले ना। तो बस ये हो गई हैं। आप इसको कांटे के साथ भी खा सकते हैं, चम्मच के साथ भी खा सकते हैं, जैसे आपको यदि रहे। लेकिन मुझे ना, मैंने इसको कभी खाया है ना मैंने ये कभी बनाया, फर्स्ट टाइम वीडियो में बना रही हूँ। तो ये मुझे लग रहा है खुशबू से तो ये बहुत अच्छे बने हैं इस तरीके से वेजिटेबल वाले। तो मुझे दीजिए इजाज़त, तो मैं दे रही हूँ बच्चों को। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।